मुझे भी तो ये पता होना चाहिए ना कि तुम इस कंपनी को कितना लॉस पहुंचा रहे हो। तो फिर मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, कि जो कुछ तुम कहोगी मैं वही करूंगा। मिस एनी ने जो इस लिस्ट में नाम लिखे हैं जिन लड़कों के, सर उन पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालना को मुनासिब नहीं होगा। मेरी शादी एक मजाक है, एक माहिदा है सर। लेकिन मैंने सब तुम्हें देखा। बस प्लीज, मैं आपसे कभी शादी नहीं कर सकती, और प्लीज मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दे। यकीन नहीं आ रहा है। नहीं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? उसने इनकार क्यों किया? कहीं मेरी इनकी बात सच तो नहीं? वो वाकई किसी और को पसंद तो नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे पता करना होगा कि इनकार की वजह क्या है। हाँ हाँ, नहीं नहीं यार, आज पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली मैं सलमान का वेट कर रही हूँ, मुझे ना बहुत ज़रूरी उससे बात करनी है। हाँ हाँ हाँ, नहीं लेट तो नहीं हुआ? तुम्हें तो पता ही है कि मैं देर से ही डिनर करती हूँ। हाँ भाई, याद है मुझे कल की पार्टी, पहुँच जाऊँगी मैं। चलो ठीक है, तुम ही मुझे पिक कर लेना, और जो ड्रेस तुम्हें पसंद है मैं वही पहनूंगी। ओके बाय। अब चलो ठीक है, बाय। सलमान कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें इतनी दफा कॉल की। क्यों, तुम्हारे दोस्त सारे बिजी थे? आज तो मुझे फोन करती रही। सलमान, तुम शायद अपने नए चक्रों में ये भूल रहे हो कि तुम्हारी एक बेटी भी है और वो तुम्हें मिस करती है। तुमसे बात करना चाहती थी, इसीलिए तुम्हें कॉल किया था। हाय रिमशा, की तबीयत तो ठीक है? ठीक है उसकी तबीयत, सो गई है वो। मामा आप आ गई? जी बेटा। आप रो रही हैं? नहीं बेबी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। नाना ये देखिए, मामा के सिर में दर्द हो रहा है। अच्छा जाओ मेरे बेटा, तुम जाके होमवर्क करो, मैं मामा को देखती हूँ। जाओ मेरा अच्छा बच्चा। एनी, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं अम्मी, मेरे सर में दर्द हो रहा था। अपनी माँ को नहीं बताओगे? अम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है।
क्या वाकई यही बात है या मुझसे कुछ छुपा रही हो तुम? अम्मी क्यों परेशान हो रही है? कुछ नहीं हुआ, अदनान नहीं आया अभी तक। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि तुम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हो तो क्या आप सारा दिन एक दूसरे को मिलते नहीं और इकट्ठे घर भी वापस नहीं आते? ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, मेरा और अदनान का डिपार्टमेंट रहता रहता से है ना, इसलिए मुलाकात नहीं होती। मैं नहीं जानती कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन एक बात याद रखना बेटा कि इंसान दूसरों को तो धोखा दे सकता है लेकिन खुद को नहीं। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। अच्छा चलो, कुछ नहीं होगा तो फिर ये बता दे कि तेरी आंखों में आंसू क्यों है? आपसे कहा ना, सर में दर्द। चलो तुम्हारी बात मान लेती हूँ, यहाँ मैं अपनी बेटी का सर दबा देती हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा अम्मी, फिर चाहकर भी आपको इन आंसुओं की वजह नहीं बता सकते। अब मैं सलमान के सामने कभी नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे नौकरी क्यों ना छोड़नी पड़े। सलमान। तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? तुम्हारे और मेरे रिलेशन के बारे में। रिलेशन? जहां तक मुझे याद पड़ता है हमारे दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है सिवाय हमारी बेटी। तुम क्या चाहते हो सलमान, कि मैं यहां से चली जाऊं और तुम उस औरत को यहां ले आओ? पहली बात तो मैं तुमसे यह क्लियर कर दूं कि मेरा और एनी का कोई ताल्लुक नहीं है, और दूसरी बात यह कि अगर तुम जाना चाहती तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन मुझे अफसोस होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अपनी मां को मिस करे, लेकिन अगर जाना चाहती है तो जाओ, तुम्हें कौन रोक सकता है? वालेकुम सलाम। आ गए बेटा, मैं खाना लगाऊं तुम्हारे लिए? हाँ, एनी आ गई? हाँ, वो तो काफी देर पहले की आ गई। कहाँ है? अपने कमरे में बैठी रो रही है। रो क्यों रही है, क्या हुआ? ये तो मुझे भी नहीं बता रही, बहुत पूछा है मैंने।
अच्छा मैं देखता हूँ, फिक्र मत करें, बहुत सेंसिटिव है आपकी बेटी, जरा से सर में दर्द होता है तो रोने बैठ जाती है, मैं देखता हूँ। नहीं बेटा, वो सर दर्द की वजह से नहीं रो रही, मैं जानती हूँ, माँ हूँ मैं उसकी। बेटा एक बात कहूँ अगर बुरा ना मनाओ तो? जी कहें। देखो बेटा, ये बात नहीं है कि मैं उसकी माँ हूँ तो ऐसे कह रही हूँ, मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वो तुम्हारी बीवी है, उसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। अब हर लिहाज से तो ख्याल रखना, उसका कोई कमी है तो आप बताएं। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, शायद मैं ज्यादा ही वहम करने लग गई। अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर देना। सही कह रही हैं, आपको शायद वहम हो रहा है, मैं देखता हूँ, आप फिक्र मत करें। मैं तुम्हारे लिए खाना लगाऊं? जी बेटा, वो तुम्हारे कपड़े जो है ना वो निमरा के कमरे में पड़े। जी मुझे अनी को फ़ोन करना चाहिए, पता नहीं मेरी वजह से वो कितनी डिस्टर्ब हुई होगी, मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। ये लें जी खाना तैयार। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम रो क्यों रही हो? मेरी कोई बात बुरी लगी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे बताऊं। क्या मतलब कैसे बताऊं? हुआ क्या है बताओ। सलमान साहब। क्या हुआ सलमान साहब? उन्हें क्या होना है? फिर उन्होंने मुझे प्रपोज किया। इतनी सी बात है तुम इतनी परेशान हो रही हो? अदनान की तुम्हारे लिए इतनी सी बात होगी तो और क्या? मुझे तो लगा था कि तुम्हें पता चलेगा तो तुम पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे तुम। क्या हो गया है, क्या हो गया यार? उन्हें नहीं पता तुम शादीशुदा हो यार, तो अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स का इजहार कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है यार? उन्हें नहीं पता कि मैं शादीशुदा हूं, लेकिन वो तो मैरिड है ना। अरे यार पूरा ऑफिस जानता है उनके बीवी से ताल्लुकात कैसे हैं यार, नाम के मियां बीवी हैं बस। जो भी हो मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊंगी। नहीं कम ऑन, बच्चों वाली बातें मत करो,
रोज रोज ही रोना लेके बैठ जाती हो। हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, जॉब तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, हम सब के लिए बहुत जरूरी है। एनी देखो, तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है, अब जॉब तो तुम वैसे भी नहीं छोड़ सकती, तो बस छोड़ो इस बात को, बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो। बच्चे की माँ हो यार, इन चीजों को हैंडल करना सीखो। बस काम लाऊ। अच्छा खाना खाओ यार, मैंने भी नहीं खाया, भूख लग रही है। और ये ऑफिस के मसले ऑफिस में डिस्कस किया करो यार, घर आके भी वही मसले मसाइल। सर आप मेरे साथ डिनर पे चलेंगे? हमारे दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक नहीं। अगर ताल्लुक बन जाए। सलमान मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा बता रही हूँ, मुझे तुम्हारा उस औरत से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं मैं तुमसे शादी करना चाहती। बस प्लीज, मैं आपसे कभी शादी नहीं कर सकती। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसने इनकार क्यों किया? अरे उठ गई तुम? जी अम्मी। अदनान कहाँ है? वो तो ऑफिस चला गया। ऑफिस? मुझे क्यों नहीं उठाया? उसने कहा कि मैं तुम्हें आराम करने दूँ। लेकिन अम्मी मेरी बहुत जरूरी मीटिंग थी आज। अजीब लड़की हो तुम, भाई सारा दिन ऑफिस में इतना काम करती हो, एक दिन आराम कर लोगी तो क्या हो जाएगा? मैंने ये अदनान से कहा था कि आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे। क्या हुआ, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं अम्मी। एनी ऑफिस में सिर्फ तुम ही नहीं हो, और भी बहुत से लोग काम करते हैं, आज वो लोग काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? आज तुम आराम करो घर पे। जल्दी में हूँ, तैयार हो जाऊं। अरे आराम कर ले थोड़ी देर बेटा। अम्मी मेरा जाना बहुत जरूरी है, बस आप दुआ किया करें कि जिंदगी के हर इम्तिहान में मैं साबित कदम रहूं। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये क्या कहा तुमने, अब कौन सा इम्तिहान आन पड़ा है? आप भी खामखा परेशान हो जाती, ये बताया निमला स्कूल चले गई? कब की, अब तो खैर से आने वाली हो गई टाइम। कितनी बुरी बेटी हूँ ना मैं आपकी। क्यों? बजाय कि आप आराम करें, मैं आपसे काम करवाती हूँ। अच्छा तो निमरा सिर्फ तेरी ही बेटी है, मेरी कुछ नहीं लगती? अरे मोल से ज्यादा सूद प्यारा होता है, समझी? थैंक यू अम्मी, मैं बस फ्रेश हो जाऊँ।
गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. मिस एनी आ गई? जी नहीं सर. अच्छा ठीक है, जब वो आए उनको मेरे कमरे में भेज दें. मगर सर मेरा ख्याल है आज वो नहीं आएंगी. क्यों? सर वो इतना लेट पहले कभी नहीं हुई. आपसे मैंने आपके ख्यालात नहीं पूछे, जो कहा है आप वही करें. सॉरी सर. गुड मॉर्निंग. बस आ गए? गुड मॉर्निंग. हाँ जी. क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ? सुबह सुबह डांट पिला दी. किसने? सलमान साहब ने. और किसने? क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, वही कुरुतुलैन साहिबा, आते साथ ही उनकी फिक्र लग जाती है. तुम्हें पता है कि इस लड़की का घर कहाँ पर है? किसका? उसी कुरुतुलैन का. सर मेरा और आपका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं आपसे नाराज हो जाऊं. ऐसा ताल्लुक बन तो सकता है ना. क्या हुआ अदनान? तुम्हें नहीं पता क्या हो गया? बताओगे तो पता चलेगा ना. मैंने तुम्हें क्या कहा था? क्या जरूरत है ये बताने की तुम्हारी शादी हुई भी है?